जय माता दी। दोस्तों, ज्ञान रुचि चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संकटा माता की पूजा विधि कैसे है, संकटा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। संकटा माता की पूजा शुक्रवार के दिन होती है। शुक्रवार के दिन सुहागले जिवाई जाती हैं। इस पूजा में चावल खोए के लड्डू सुहागलों को जिवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए जानते हैं कि संकटा माता की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो आप बृहस्पतिवार की शाम को सुहागलों के घर जाकर उनको नेवता दे आना। संकटा माता की पूजा में 7 सुहागिन, 1 कन्या और 1 विधवा स्त्री को जिवाया जाता है। हमारे यहाँ पूजा इसी तरह से होती है। अगर आपके यहाँ इस तरह से नहीं होकर किसी दूसरे विधान से होती है तो आप अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिला से इसकी सलाह ले सकती हैं। शुक्रवार के दिन सुबह अपने घर की पूरी तरह से साफ़ सफाई करनी है, स्नान करना है और स्नान करने के बाद साफ़ कपड़े पहनकर माता के नाम का व्रत रखना है। व्रत आप जब तक रखेंगी जब तक कि आप पूजा नहीं कर लेती। ध्यान रखें कि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, यह व्रत निर्जला करना चाहिए। संकटा माता की पूजा करने के लिए घर के कमरे या हॉल में एक चादर बिछाकर सभी सुहागनों को प्रेम पूर्वक बैठाना चाहिए। आप एक चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर संकटा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखें, कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं, कटोरी में चावल भरकर रखें और ऊपर से एक दीपक रखना चाहिए। खोए चावल के 9 लड्डू बनाए जाते हैं और 5 लड्डू छोटे बनाए जाते हैं। इसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। संकटा माता की पूजा जो महिला करवा रही है वह महिला पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजा शुरू करें। पूजा शुरू करने से पहले अपना कोछा भराना चाहिए। कोई सुहागन महिला से कोछा भरा लें, फिर फूल से जल लेकर माता को नहलाना चाहिए, धूप दिखाएँ। उसके बाद सिंदूर से कलश को टीकें, मिट्टी की सातों ढेलियों को टीकें, माता रानी को टीका करें। गौरी माता में 5 बार सिंदूर लगाएं। चावल के 5-7 लड्डू माँ की चौकी पर रखें जो कि आपने छोटे बनाए हैं। उसके बाद सुहाग का सारा सामान चढ़ाएं, जैसे बिंदी सिंदूर आदि सारा सामान चढ़ाएं, पान भी चढ़ाएं जो कि बिना कत्थे का हो। फिर माता जी का ध्यान करके उनके पैर छुएं। इसके बाद सारी महिलाएं एक एक करके इसी प्रकार से पूजन करें। एक बात का ध्यान रखें कि जब तक पूजा ख़त्म ना हो जाए अपनी जगह से ना उठें। जब सभी लोग पूजा कर लें तब संकटा माता की कथा कहें। संकटा माता की कथा कैसे है, किस प्रकार से करनी चाहिए, ये वीडियो मैंने पहले बनाई है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कथा सुनने के बाद आप सभी को माता रानी की आरती करनी चाहिए। आरती भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको आरती भी मिल जाएगी। उसके बाद सभी महिलाएं प्रसाद को वितरित करें। उसके बाद हाथ धुलकर गौरी माता से सिंदूर लें, 7 बार अपनी मांग में लगाएं और 7 बार वापस गौरी माँ में डाल दें। माता रानी के पैर छूकर क्षमा याचना करें। उसके बाद अपनी सास जिठानी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी संकटा माता की पूजा विधि। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।